सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में जीएस के अंतर्गत कुछ किताबों के नाम और उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। ये किताबें ऐतिहासिक भी हो सकती हैं, 2019 और 2020 की चर्चित किताबें भी हो सकती हैं। कुछ प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं जिनके द्वारा जो किताबें लिखी जाती हैं उनके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हमने कोशिश की है कि जितनी भी किताबें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो प्राचीन काल की ऐतिहासिक किताबें हैं, चाहे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर भारतीय इतिहास की किताबें हैं, या फिर 2019-20 की किताबें हैं, सारी किताबों की एक सूची लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और इसमें आपको सभी किताबों के बारे में उतनी जानकारी मिल जाएगी जितनी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ही संक्षिप्त होगा और लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो हो सकता है कि आप न जानते हों। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, और सबसे पहले देखेंगे कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम के बारे में, क्योंकि ये जो किताबें हैं इनके बारे में देखा गया है कि अक्सर प्रश्न जो होते हैं वो उठते हैं। तो देखिए, एक किताब है मुद्रा राक्षस। कभी कभी पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस नामक जो किताब है इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाख दत्त ने। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। राज तरंगिणी, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है, राज तरंगिणी नामक किताब, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है कल्लड़ ने। ये याद रखना आप, क्योंकि ये किताब बहुत अधिक बार पूछी गई है। कथा सरित सागर नाम की जो किताब है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे लिखा गया है सोमदेव के द्वारा। प्रश्नोत्तर मालिका नामक जो किताब है ये अमोघ वर्ष की रचना है, और स्वप्नवास दत्ता, या इसका दूसरा नाम भी है स्वप्नवास दत्तम, ये जो किताब है ये महाकवि भास की रचना है, और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि स्वप्नवास दत्तम नाम की जो किताब है ये भास, महाकवि भास की रचना है। बुद्धचरित नामक किताब लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा, और भरत मुनि की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इस किताब में नाट्य यानी कि जो नृत्य होता है, जो डांस होता है, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। इसके बाद जो अगली किताब है वो कालिदास से संबंधित है। कालिदास की कुछ किताबें हैं जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, ये तीन किताबें ऐसी हैं जिनमें से कोई न कोई एक किताब अक्सर पूछ ली जाती है, और ये तीनों किताबें लिखी गई हैं कालिदास के द्वारा। क्या आप बता सकते हैं कि कालिदास किस राजा के दरबार में रहते थे? अगर आप जानते हैं तो इसका उत्तर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अमरकोश नामक जो किताब है ये अमर सिंह की रचना है, और पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, ये दो किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो दोनों किताबें हैं लिखी गई हैं वराह मिहिर के द्वारा। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी में गणित से संबंधित ये किताबें हैं, और इसमें गणित के बारे में वो सूत्र दिए गए हैं जिस पर आगे चलकर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, और ये जो दोनों किताबें हैं इनमें जो सूत्र दिए गए हैं वो आगे चलकर भी सही साबित हुए हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि लिखी गई हैं आर्यभट्ट के द्वारा। पंचतंत्र नामक किताब जो है इसमें मोरल से संबंधित यानी कि नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानियाँ जो हैं वो लिखी गई हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि मानव जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देना। और पंचतंत्र नाम की जो किताबें हैं ये लिखी गई हैं विष्णु शर्मा के द्वारा। नीतिसार के लेखक हैं कामंदक, और एहोल प्रशस्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, और एहोल प्रशस्ति लिखी गई है रविकृत के द्वारा, ठीक है। इंडिका, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब है। ये एक जो है विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी है, और प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ इस किताब के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते होंगे, विष्णुदत्त, चाणक्य या कौटिल्य एक ही व्यक्ति हैं, और इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र। एक्चुअली में जो अर्थशास्त्र नाम की किताब है इसमें इकोनॉमिक से संबंधित कोई भी टर्म या तथ्य आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सारे तथ्य मिलते हैं। इसका नाम है अर्थशास्त्र। चरक संहिता जो कि चिकित्सा से संबंधित किताब है और लिखी गई है चरक के द्वारा। क्या बता सकते हैं कि चरक ये एक धन्वंतर थे, राजवैद्य थे, ये किस राजा के दरबार में रहते थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। लीलावती जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, गणित पर आधारित है, और ये भास्कराचार्य की पुत्री थी लीलावती, जिसको इन्होंने अपनी किताब समर्पित किया था, भास्कर द्वितीय की पुत्री थी लीलावती। इसमें गणित के बहुत सारे सूत्र इसमें बताए गए हैं। हर्षचरित, कादंबरी, नागानंद और रत्नावली, ये चार किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आप बिल्कुल याद रखना।
ये चारों किताबें लिखी गई हैं हर्षवर्धन के द्वारा। और गाथा सप्तशती नाम की जो किताब है ये हाल की रचना है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। पतंजलि की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, नाम है इसका महाभाष्य, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। मृच्छकटिकम यह एक नाटिका है जो कि शूद्र की रचना है और गीत गोविंद लिखा गया है जयदेव के द्वारा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि गीत गोविंद किसकी रचना है, हिंदी का जो जब प्रश्नपत्र होता है तो उसमें ये किताब अक्सर पूछ ली जाती है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना, गीत गोविंद जो है ये जयदेव की रचना है और नवरत्न है वीरसेन की रचना। तो दोस्तों ये कुछ ऐतिहासिक किताबें थी जो कि बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो इसके बारे में हमने एक संक्षेप में वार्ता आपसे की। अब 2019 और 2020 के दौरान ऐसी किताबें जो कि बहुत अधिक चर्चित हैं या इसके लेखक बहुत अधिक चर्चित होने के कारण ये किताबें चर्चा में स्वतः ही आ जाती हैं, तो इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। देखिए एक किताब है गर्ल पावर इंडियन वोमेन हु ब्रोक द रूल्स, इसमें जो है 50 ऐसी महिलाओं की कहानियां लिखी गई हैं जिन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में सामना किया है पूरी वीरता के साथ और अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है, और इस किताब को लिखा गया है हीरा जे नंदानी के द्वारा, तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। और मैं आपको किताब का जो कवर पेज है वो भी दिखाता रहूँगा लगभग लगभग हर किताब का, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो चीज़ें जो चित्र आप देखेंगे उसके माध्यम से आपको चीज़ें अच्छे से याद हो सकें। तो ये गर्ल पावर का जो कवर पेज है जो कि किताब लिखी गई किसके द्वारा, नेहा जे हीरा नंदानी के द्वारा, इंडियन वोमेन हु ब्रोक्स द रूल। अगली किताब का नाम है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, तो ये जो किताब है ये लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे उनके जीवनी से संबंधित है और उन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए थे उसकी गाथा भी आपको इस किताब में देखने को मिलेगी। और इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए ये किताब है इसका कवर पेज आप देख सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल ना भूले, और ये किताब लिखी गई है संदीप शास्त्री के द्वारा, संदीप शास्त्री यानी कि विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। तीसरी किताब का नाम है री थिंकिंग गुड गवर्नेंस, इसके जो लेखक हैं वो भारत के ग्रामीण सीएजी रह चुके हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो दोस्तों उन्होंने 7 जनवरी 2008 से 22 मई 2013 तक अपनी सेवाएं दी हैं और इनका नाम है विनोद राय, यानी कि विकल्प ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल याद रखना, री थिंकिंग गुड गवर्नेंस किसकी रचना है, ये विनोद राय की रचना है। हु इज भारत माता, यह एक ऐतिहासिक किताब है जिस जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से पेश करती है। तो बताना है आपको ये है कि हु इज भारत माता के लेखक कौन है, राजनारायण मिस्त्री, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीमा दीक्षित या बोरिया मजुमदार। दोस्तों यहाँ पर ये जो किताब है ये दो भाषाओं में लिखी गई है, इसका कवर पेज आपके सामने है, और ये जो भाषा है ये कन्नड़ में थी प्रोफेसर के ई राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, ठीक है। तो याद रखना कि अंग्रेजी अनुवाद किया गया है पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा, कन्नड़ में किताब लिखी गई है प्रोफेसर के ई राधाकृष्णन के द्वारा, हु इज भारत माता। अगली किताब का नाम है इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ आर्मी लाइफ, जो भारतीय सेना की जिंदगी होती है, भारतीय सैनिकों की जो जिंदगी होती है, तो उससे संबंधित बहुत सारी कथाएँ बहुत सारी कहानियाँ इस किताब में आपको देखने को मिलेंगी। और ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा, तो चार विकल्प आपके सामने हैं और सही जवाब इसका क्या है, वरुणा वर्मा, वरुणा वर्मा। ये किताब का कवर पेज है जो आपके सामने है, लगभग हर किताब का कवर पेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको कभी ना भूलें, ठीक है, और आसानी से आप इन किताबों के बारे में सारे तथ्यों को आप याद रख पाएँ। द थिन माइंड मैप, हमारा जो दिमाग होता है इसमें जो बातें आप भर देते हैं उसी के अनुसार ये काम करता है और जिस प्रकार से आप काम करते हैं उसी प्रकार से आपका जीवन भी हो जाता है, यानी कि अगर आप एक बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को बढ़िया तरीके से ट्रेन भी करना होगा। तो इसी तरीके से एक माइंड ट्रेनर हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र राय, जिन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब का नाम है द थिन माइंड मैप बुक, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है और अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त समय रहता है तो ऐसी जो मोटिवेशनल बुक्स हैं मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसी किताबों को ज़रूर पढ़ा करें। द थिन माइंड मैप किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे मंगा सकेंगे। अगली किताब है द एयर एक्ट 1981, दोस्तों इस किताब में जो वायु प्रदूषण है उससे संबंधित जो कानून बनाया गया था उस पर चर्चा की गई है। तो दो लोगों ने मिलकर इस किताब को लिखा है और इसका नाम आपको बताना है कि लेखक कौन है इसके और इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरवरी 2020 में किया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह। के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह, यानी कि विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक किसने लिखी है? हालांकि ये किताब इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन चूंकि इसके जो लेखक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, एक मशहूर शख्सियत हैं, और ये जो हैं कहाँ के, राजस्थान के राज्यपाल भी हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम अब आप समझ गए होंगे, सही जवाब है कलराज मिश्र। भारत में उद्यमिता, तो ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा, राज्यपाल हैं जो कि वर्तमान में। मगधनामा नामक एक किताब जो मगध के गौरवशाली इतिहास के बारे में और मगध में किस प्रकार से अलग अलग वंश ने अपना अपना शासन किया था उसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवाती है, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? चार विकल्प हैं आपके सामने, शांता कुमार, अनुपम खेर, कलराज मिश्र और कुमार निर्मलेंदु। तो दोस्तों ये जो किताब है लिखी गई है कुमार निर्मलेंदु के द्वारा, जो कि एक ऐतिहासिक लेखक हैं। इनकी दो किताबें और हैं जो कि बहुत अधिक चर्चा में रहती हैं, इन दोनों किताबों के नाम भी आप याद कर लीजिए, प्रयागराज और कुंभ और कौशाम्बी प्राचीन भारत का एक गौरवशाली नगर, और तीसरी किताब हो गई मगधनामा। तो ये तीनों किताबें लिखी गई हैं कुमार निर्मलेंदु के द्वारा। कलकत्ता नाइट्स का बंगाली से अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? मूल रूप में ये किताब 1923 में आई थी और इसका जो नाम था वो कुछ और था, लेकिन अब इसका बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है कलकत्ता नाइट्स के नाम से। और ये जो अनुवाद किया गया वो किया गया है रजत चौधरी के द्वारा। तो विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। यह किताब 1923 में मूल रूप में राटेर कोलकाता के नाम से हेमेंद्र कुमार राय के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, हेमेंद्र कुमार राय के द्वारा लिखी गई थी। कब? 1923 में। अब जाकर कलकत्ता नाइट्स के रूप में इसका रजत चौधरी के द्वारा अनुवाद किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर भारत और ओलंपिक खेलों का जो इतिहास रहा है उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस पुस्तक के माध्यम से अवेलेबल करवाई गई है, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन। आपको बताना है कि ये किताब किसने लिखी है? तो देखिए, ये जो किताब है ये बोरिया मजुमदार और नलिन मेहता के द्वारा लिखी गई है। माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैम्पियन लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, और माइंड मास्टर, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये जो किताब है वो एक चेस के चैम्पियन हैं उनके द्वारा लिखी गई है और भारत रत्न से वो सम्मानित भी हैं। अब आप समझ गए होंगे सही जवाब इसका विश्वनाथन आनंद, और इसके इनके जो सहायक लेखक थे उनका नाम है सुशान निनान। ये किताब अमेजन पर उपलब्ध है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुस्तक द टेक विस्परर के लेखक कौन है? द टेक विस्परर ये बहुत ही मशहूर किताब है और ये लिखी गई है जसप्रीत बिंद्रा के द्वारा। ठीक है, जसप्रीत बिंद्रा के द्वारा। पुस्तक का कवर पेज आपके सामने है ताकि आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें। जसप्रीत बिंद्रा की किताब है द टेक विस्परर। अब कुछ ऐसी किताबें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, उसके बारे में जान लेते हैं और इस प्रकार से ये जो हमारा वीडियो होगा वो समाप्त होगा। लेकिन फिलहाल इन किताबों के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि ये किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी हाल ही में एक किताब आई थी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, ये किताब बहुत बार पूछी गई है, तो याद रखना प्लेइंग इट माई वे ये किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर के द्वारा। और हाफ गर्लफ्रेंड नाम की जो किताब है ये एक नॉवेल है जो कि चेतन भगत की रचना है। चेतन भगत की जो किताबें होती हैं एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी किताबें बहुत अधिक चर्चा में रहती हैं तो इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। एक गाइड टू प्राइवेट इक्विटी नाम की किताब लिखी गई है नेहा भुवानिया के द्वारा, और बर्थ ऑफ सिनेमा नामक किताब है गोपाल कृष्ण की। ठीक है, ए बिलियन इज नॉट इनफ, ये किताब आप याद रखना, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बिलियन इज नॉट इनफ ये है अशोक गुप्ता की किताब। चौधरी चरण सिंह की एक किताब थी इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, तो ये बहुत ही अच्छी किताब थी, चौधरी चरण सिंह के द्वारा लिखी गई थी इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। एंड वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक जिंदगी काफ़ी नहीं, ये कांग्रेस के पूर्व नेता नटवर सिंह की किताब है, तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गीता रहस्य नाम की जो किताब है ये बाल गंगाधर तिलक ने जब वो जेल में थे उस दौरान उन्होंने लिखी थी, तो ये किताब का नाम है गीता रहस्य। उसके बाद जो अगली किताब है उसका नाम है द कैंडिडेट, और ये रचना है अनिरुद्ध भट्टाचार्य की। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और कभी कभी दो तीन साल पुराना करंट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की जो किताब है ये संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। अनरिग्रेटेबल ये आत्मकथा है किसकी, मैरी कॉम की। और काफ़ी टेबल के गिरी प्रकाश डेथ ऑफ ए सिटी नाम की जो किताब है ये लिखी गई है अमृता प्रीतम के द्वारा, डेथ ऑफ ए सिटी। एंड देन वन डे ये किताब है प्रसिद्ध अभिनेता नसरुद्दीन शाह की। और ट्रेन टू पाकिस्तान एक बहुत मशहूर किताब है जो कि लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। उसके बाद ये अंतिम पेज होगा इंडिया ए रिस्क, ये किताब लिखी गई है भाजपा के पूर्व नेता जसवंत सिंह के द्वारा। सब्सटेंस एंड द शैडो किताब है दिलीप कुमार की। ए सुटेबल बॉय नामक किताब लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा, ये किताब बहुत बार पूछी गई है तो ये आप याद रखना। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किताब है किरण बेदी की। और पैसेज टू इंग्लैंड नाम की किताब है नीरज सी चौधरी की। नीम के पेड़ जिस पर DD1 पर एक धारावाहिक भी आता था और इसके जो एपिसोड हैं वो अभी भी यूट्यूब पर हैं, और ये किताब लिखी गई थी राही मासूम रजा के द्वारा, ठीक है। और चरित्रहीन नाम का जो उपन्यास है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, बहुत ही अच्छी किताब है। और चलते चलते आपको बता दें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम की जो किताब है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको समय मिलता है तो आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारे नए फैक्ट आपने जाने होंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और किसी भी एजुकेशनल ग्रुप व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल आप अपडेट रह सकते हैं स्टडी के साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट होती है न्यूज़ वगैरह होती है सारी चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।